हेलो स्टूडेंट, दिस इज माला एंड वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद माला मैम। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने सीजी बोर्ड क्लास 10th की केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट की है, तो ये जो है सेकंड चैप्टर है एसिड बेसिन सॉल्ट। मैंने एक वीडियो और दिया था पर उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, बोर्ड में क्लियरिटी नहीं थी, तो सो मैंने अगेन इसे बनाया है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एसिड से। तो बच्चों, एसिड क्या होता है? अच्छा, इमली का नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ गया होगा, सबके मुंह में पानी आ गया होगा। क्यों? क्योंकि जो इमली का जो टेस्ट होता है वो क्या होता है? खट्टा होता है। वो जो टेस्ट में क्या होता है? सोर होता है। तो ऐसे ही कई सारी चीजें होती हैं जो हमें टेस्ट में क्या लगती है? खट्टी लगती है। तो एसिड भी हमारा क्या होता है? टेस्ट में खट्टा होता है। तो जो खट्टी चीजें हैं वो एसिड के प्रेजेंस के कारण ही टेस्ट में श्योर होती हैं। चलिए, ये तो हमारा एक जनरल टाइप था। अब हम उसकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग देखते हैं कि एसिड होता क्या है। फर्स्ट, दिस आर श्योर इन टेस्ट। जो हमारा एसिड होता है वो टेस्ट में क्या होता है? श्योर होता है। नेक्स्ट, देयर टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड की स्पेशल प्रॉपर्टी है कि जब हम लिटमस पेपर का यूज कर अगर हम ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं, ठीक, और उनमें कुछ ड्रॉप्स एसिड की डालते हैं तो वो उसे रेड में टर्न कर देती है। इसको आप याद कैसे रखेंगे? चलिए, मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये नेक्स्ट है, दे गिव एच प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर हम एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो वो हमेशा हमको एच प्लस आयन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है, एसिड क्वाड्रेट मेटल्स। जो एसिड होती है वो क्या करती है? मेटल्स को क्वाड्रेट करती है। दैट मींस मेटल्स जो होते हैं एसिड के, जब मेटल्स जो होते हैं एसिड के जब कॉन्टेक्ट में आते हैं तो वो वीक हो जाते हैं, या तो वो उसमें जंग लगना चालू हो जाता है। तो इस तरीके से जो एसिड जो होते हैं वो मेटल को क्वाड्रेट कर देते हैं, वीक बना देते हैं। ये जो है आपका नेक्स्ट सबसे स्पेशल प्रॉपर्टी, पीएच वैल्यू ऑफ एसिड आर लेस देन 7। एसिड की जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से कम होती है। तो ये आपको याद रखना है। तो आपको एक चीज इसमें दो चीजें याद रखनी है अच्छे से। एक तो हमारा एसिड की पीएच वैल्यू जो होती है 7 से कम होती है, एसिड हमें एच प्लस आयन प्रोवाइड करता है, एसिड जो है ब्लू को रेड में टर्न करता है। कुछ जो एसिड के हम एग्जांपल देखते हैं, तो फर्स्ट है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl से हम इसको शो करते हैं। और सेकंड है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम H2SO4 से शो करते हैं। कुछ वीक एसिड भी होते हैं जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH, ऑक्सैलिक एसिड C2H2O4। जो एसिटिक एसिड होता है हमारा, जो हम घरों में जो विनेगर यूज करते हैं उसमें प्रेजेंट होता है, और जो हमारा ऑक्सैलिक एसिड होता है वो टोमेटो में प्रेजेंट होता है। अच्छा, तो बच्चों, ये जो हमने बोला था कि आप जो ये रेड को याद कैसे रखो, अक्सर हमें कंफ्यूजन होता है एसिड और बेस में। एसिड जो होता है ब्लू को रेड करता है, और जस्ट अपोजिट जो बेस होता है वो रेड को ब्लू करता है। तो एसिड, कुछ आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ जो कंसेंट्रेट एसिड होते हैं, ठीक है, जैसे HCl, इसके कंसेंट्रेट फॉर्म H2SO4, वो इतने हार्मफुल और इफेक्टिव होते हैं हमारे स्किन को, वो जला भी सकते हैं। तो इस तरीके से वे हमारे लिए खतरों से कम नहीं होते हैं, और रेड कलर भी खतरों को शो करता है। इसीलिए आप इसे बिल्कुल याद रखिएगा कि एसिड जो होता है वो ब्लू को रेड में टर्न करता है। ओके, थैंक यू बच्चों। एसिड का वीडियो एसिड का कंसेप्ट यहीं पे खत्म होता है, और आगे मैं आपको बेस पढ़ाती हूँ। स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि बेस क्या होता है। तो सबने अपने अपने घरों में बेकिंग पाउडर जरूर देखा होगा, और जो बहुत बेकिंग पाउडर को टेस्ट भी किसी ना किसी ने तो जरूर किया होगा। वैसे वो देखने से जितना अच्छा दिखता है, व्हाइट
सर जो पाउडर होता है वो वैसे ही टेस्ट करने पे उतना ही कड़वा होता है, तो जो बेस की जो प्रॉपर्टी होती है कि वो जो होते हैं टेस्ट में बिटर होते हैं। तो आइए हम बेस की प्रॉपर्टी को जानते हैं। तो फर्स्ट है दिस आर बिटर इन अ टेस्ट, जो बेस होता है वो टेस्ट में बिटर होता है। नेक्स्ट है दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, बेस की प्रॉपर्टी है कि वो रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देते हैं। ये एसिड के जस्ट अपोजिट है, एसिड जो था वो क्या करता था, ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर रहा था, और जो हमारा ये बेस है वो रेड को ब्लू में टर्न कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है दे गिव OH आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, जो बेस होते हैं वो हमें एक्वस सॉल्यूशन में वॉटर में OH माइनस आयंस प्रोवाइड करते हैं। ओके सोपी इन टच, तो बच्चों आपको पता है बेकिंग पाउडर वॉशिंग पाउडर ये सब बेस के अंडर आते हैं, तो सोप भी जो है वो बेस का ही फॉर्म है। तो सोप को जैसे अपन टच करने पे वो हमें सोपी सा स्मूथ सा फील होता है, तो वो भी इस बेस की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है पीएच वैल्यू ऑफ बेस इज मोर देन 7, तो हमने जाना था एसिड की पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, तो वैसे ही बेस की पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होती है। अगर पीएच वैल्यू 7 हो जाती है किसी भी सॉल्यूशन की तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाता है। आइए हम कुछ एग्जांपल के थ्रू बेस को जानते हैं। तो एस्ट्रॉन्ग बेस के अंडर आते हैं हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल है। और कुछ वीक बेस भी होते हैं जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस के अंडर आता है। अब हम देखते हैं कि अल्कली क्या होता है। तो स्टूडेंट आप सभी जानते हैं कि जो बेस होते हैं वो वॉटर सॉल्यूबल होते हैं, लेकिन कुछ बेस ऐसे भी होते हैं जो वॉटर में सॉल्यूबल नहीं होते। इनफैक्ट सारे बेस वॉटर सॉल्यूबल नहीं होते हैं, लेकिन जो बेस वॉटर सॉल्यूबल होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्कली। डेफिनेशन देखते हैं अल्कली, दिस आर बेस विच आर सॉल्यूबल इन वॉटर, एग्जाम्पल NaOH। ठीक है, ये जो होते हैं वॉटर सॉल्यूबल होते हैं, एग्जाम्पल के लिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट हमारा एसिड और बेस का जनरल इंट्रोडक्शन का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताएं। ओके थैंक यू।